ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आप देखेंगे, वैदिका का सच आ जाएगा नायरा के सामने। दादी तो जान ही चुकी हैं कि वैदिका के मन में क्या चल रहा है, और अब नायरा को भी पता चल जाएगा कि वैदिका क्या करना चाहती है। वैदिका ने जानबूझकर नायरा की मेहंदी को ख़राब की, उसकी मेहंदी जहाँ रखी हुई थी जानबूझ के गिराया, ये दिखाने के लिए कि उसका पैर लग गया और वो गिर गई। ये सब कुछ उसकी सोची समझी चाल थी। आप देखेंगे शो की शुरुआत में दादी पहुंच जाती है महेश्वरी हाउस, और वहां पर वैदिका नायरा की मेहंदी पीसने वाली होती है। दादी तुरंत रोक देती है और कहती है पंडित जी ने कहा है कि नायरा को अपनी मेहंदी खुद पीसनी है। वैदिका को समझ में आ जाता है कि दादी ये सब क्या कह रही हैं, और नायरा बैठकर अपनी मेहंदी पीसती है और वैदिका धीरे धीरे पीछे हटती है। दादी उसे वो फ़ोन देती है जो वो घर पर भूल के आई थी, और फ़ोन देते देते एक बात समझा देती है कि जो चीज़ जिसकी है उसी के पास अच्छी लगती है। तुमने अपना बलिदान दिया, इतना बड़ा बलिदान दिया, हम वो भूले नहीं हैं, लेकिन वो करने की कोशिश मत करो जो नहीं हो सकता। नायरा और कार्तिक को कोई कभी अलग नहीं कर सकता, ये कह के दादी वहाँ से चली जाती है। आज है नायरा का संगीत, आप देखेंगे यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। कार्तिक और नायरा की नोकझोंक, मस्ती, वो क्यूट मोमेंट, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वैदिका के दिमाग में शातिर चालें और भी बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे वैदिका जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि वो अब कार्तिक को डिवोर्स ही नहीं देगी। जल्दी आप देखेंगे मेहंदी वाले दिन नायरा तैयार होकर ऊपर से नीचे आ रही होगी। नायरा तैयार होगी और नीचे आ रही होगी, सब लोग उसकी खूबसूरती की बेहद तारीफ करेंगे। ऐसे में नायरा का पैर सीढ़ियों से फिसलेगा और सबको लगेगा नायरा गिर जाएगी, पर कार्तिक जाके संभाल लेता है अपनी नायरा को। वो इस बात का जवाब भी देता है कि नायरा को कार्तिक के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में आप देखेंगे नायरा को सब बिठाते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं, जिस तरह सब उसकी केयर करने लगते हैं, ये बात वैदिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे हर बार ये सारी चीज़ें खटक रही हैं, और आप देखेंगे नायरा के हाथों में चोट लग जाएगी और चोट पर मेहंदी नहीं लग सकती। ऐसे में सब बहुत परेशान होंगे कि अब नायरा को मेहंदी कैसे लगेगी। ऐसे में नायरा भी रोने लगती है कि उसे अपने हाथ में कार्तिक का नाम चाहिए था, और तभी कार्तिक आके सारी चीज़ों को संभाल लेता है। कार्तिक कहता है हम दोनों का बराबरी का रिश्ता है, बराबरी का हक है, तो मेहंदी तुम्हें नहीं मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा तुम्हारा नाम अपने हाथों में। ये बात वैदिका के दिल को और घर कर जाती है, वो पीछे चुपचाप रोने लगती है। एक तरफ सब लोग नायरा को संभाल रहे हैं और वो पीछे रोते रोते अपनी बातों को सोचती है, अपनी फ्रेंड की कही हुई बातों को सोचती है कि अभी और देर नहीं हुई है। ऐसे में उसकी नज़र पड़ती है मेहंदी पर, जहाँ मेहंदी को बहुत ही डेकोरेट करके रखा गया है, जो अभी जल्द ही नायरा और कार्तिक को लगने वाली है। वो जाती है उस पूरे मेहंदी के टेबल को गिरा देती है, पूरा मेहंदी का बाउल गिरा देती है और खुद गिर जाती है। यहाँ पे वैदिका सबको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो नायरा के लिए यहाँ पानी लेने आई थी और उसका पैर फिसल गया और पूरी मेहंदी गिर गई। दादी को समझ में आ जाता है, दादी उसकी तरफ देखती हैं और इशारा करती हैं। वैदिका को पता है कि दादी समझ चुकी है सच, लेकिन यहाँ पर सब लोग उसकी केयर करते हैं। कार्तिक भी ये बात कहता है कोई बात नहीं, मेहंदी तो और भी बहुत सारी है, पर तुम्हें तो चोट नहीं लगी। वैदिका ने अब ठान लिया है कि कार्तिक और नायरा की शादी नहीं होने देगी, क्योंकि वो कार्तिक को डिवोर्स ही नहीं देगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सब लोग डांस कर रहे होंगे मेहंदी में, और वैदिका भागकर अंदर जा रही होगी। नायरा ये देख लेगी और वो भाग के जाएगी वैदिका के पास और पूछेगी क्या हुआ। वैदिका उसे झिड़क देगी और बदतमीजी से बात करेगी कि तुम तो चुप ही रहो। यहाँ पे नायरा वैदिका का जो रूप देखेगी, वो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वैदिका उसके साथ ये बर्ताव करेगी। आने वाले एक प्रोमो में आपने देखा है कि नायरा अपना शेरनी अवतार दिखाएगी। वो दिखाएगी कि एक शेरनी अपने पति को कैसे हासिल करती है, अपने प्यार को कैसे हासिल करती है। आप देखेंगे दादी जल्द ही नायरा को सारा सच बता देंगी। वैदिका के लिए जो उनको डाउट था, जो अब यकीन हो चुका है कि वैदिका कार्तिक को डिवोर्स नहीं देगी, वो सारा सच दादी नायरा को बता देंगे और नायरा के यहाँ से होश उड़ जाएंगे। क्योंकि ये जब तक वैदिका कार्तिक को डिवोर्स नहीं देती, नायरा और कार्तिक की शादी नहीं हो सकती। और इसी बीच आप देखेंगे जिस दिन शादी है उसी दिन सुबह वैदिका और कार्तिक का डिवोर्स है और वैदिका नहीं पहुँचेगी। कार्तिक और नायरा की शादी टल जाएगी और 2 साल का लीप आएगा शो में। तो अब क्या होगा नायरा का, कार्तिक और नायरा क्या कभी मिल नहीं पाएंगे? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।